कलिंग समाचार संबलपुर भालुबाहला चर्च पक्षर वार्षिक प्रार्थना उत्सव अनुष्ठित हो द फायर ऑफ होली स्पिरिट ट्रस्ट एंड मिनिस्ट्री पक्षर यह कार्यक्रम आयोजित होता बेंगलुरु रामबाबू आसी मुख्य वक्ता भाव वार्षिक प्रार्थना उत्सव में जोग प्रभु जीशु महिमा उपर आधारित स्वतंत्र प्रवचन प्रदान करते भालुबाहल ठारे तीन दिन धरी अनुष्ठित एहि कार्यक्रम रे संबलपुर तथा ओडिसा रो विभिन्न जिल्लारो पालक एवं तांको मंडली रो भाई भौनी मिसी एहि कार्यक्रम को आयोजन रे सहयोग करथिले। मोर ना होचे प्रशांत पदा सर आज जो कार्यक्रम ता होचे केते दिन धरी चलला ना तीन दिन धरी कि चलला ना आ बेंगलोर रो राम बाबू प्रभु को दास आसे जन इतार उद्देश्य होचे जे आमर जीवन रो मन परिवर्तन लागि से जिनिस रे आसले आ जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार कले किन किन सब आसी जन सब इडा रांची झारखंड छत्तीसगढ़ आ आमर कोरापुट अनुगुल आ पाखो पाखो राज्य मन कर आसन उद्देश्य हूँ आमर जेनटा कि आम समाज रे जेन आम मान लोक मैंने अन्न्य जिनिस मानने निशाग्रस्त निजर जीवन के मैंने नष्ट कर दौन निजर जीवन के से मैंने जाणी नहीं पार्बा के उद्देश्य आम समाज में रहा से जिनिस लगी आज से जीशु ख्रीष्ट सुसमाचार प्रचार द्वारा से लोक मान जीवन बदली जाऊे से मैंने निजे भल कर रही पार्छन बोली मुझे एक ही मेरे जिंदगी में मैं एक सिर्फ दो चीज़ जानता हूँ एक परमेश्वर से प्यार करता हूँ दूसरा लोगों से प्यार करता हूँ मैं ये दोनों छुड़ के मेरे जिंदगी में कुछ नहीं जानता हूँ मैं तो जब लोगों को देखता हूँ मेरा दिल तरस जाता है उनके लिए अब जब खड़ा होता हूँ तो मुझे थकान कुछ महसूस नहीं होता है क्योंकि लोगों से प्यार करता हूँ अगर लोगों से किससे प्यार किया तो थकान के कारण हम कुछ नहीं सोचते और ये मेरे पहली बार उड़ीसा आया हूँ मैं और इतना अच्छा लग रहा है जब हम लोग भुवनेश्वर में लैंड हुआ और ड्राइव करते हुआ संबलपुर तक आए हम लोग इतना अच्छा हुआ देख के उड़ीसा का कल्चर देख के अभी पहली बार आ रहा हूँ लेकिन उड़ीसा के बारे में और मुझे मालूम होना चाहिए मालूम करना चाहिए और उड़िया लैंग्वेज मालूम करना चाहिए तो यहाँ के बहुत खुशी और लोग इतना प्यार करते हैं संस्कृति इतना अच्छा है एक भारत देश का खूबी एक ही संस्कृति हर एक स्टेट का अपना खूबी संस्कृति होता है तो इसलिए मैं जहीं भी जाता हूँ वो संस्कृति सीखना चाहता हूँ और वो संस्कृति आदर करना चाहता हूँ ताकि यू नो मेरा देश का खूबी मुझे भी मालूम हो जाए कि तो ओडिया आया मैं अभी ओडिया में मुझे जो संस्कृति देखा बहुत खूब लगा लोग इतना प्यार करते हैं और मैं यहाँ आया यीशु के बारे में यीशु के प्यार के कोई धर्म के बारे में बोले नहीं आया हूँ यहाँ पर हर कोई धर्म के लोग आते हैं मैं कोई धर्म के प्रचार नहीं करता धर्म परिवर्तन का नहीं यीशु के बारे में यीशु के प्यार के बारे में बताने के लिए आया हूँ और जो भी प्यार मेरे दिल से दिखा सकता हूँ वो दिखाने के लिए आया हूँ मैं। बहुत सारे हैंडीकैप आए आपको आशीर्वाद लिए आपको छुए तो उनका आराम हो गया तो ये कैसा होता है और ये कैसा महसूस होता है? हाँ वो वही मुझे भी समझ में नहीं आता है क्योंकि लोग जैसे ठीक होता है ना मैं इसलिए बोलता हूँ वो मैं भी इंसान हूँ मैं कोई चमत्कार करने वाला मेरे तो कोई चमत्कार करने की शक्ति नहीं है मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ मैं सिर्फ यीशु के बारे में बोलता हूँ बाइबल में जो लिखा है और जब हम लोग मसीह लोग ये बाइबल विश्वास करते हैं ना तो हम लोग विश्वास करते हैं बाइबल में जी लेकर विश्वास करते हैं तो उनके विश्वास परमेश्वर आदर करता है और उनके लिए चमत्कार करता है उनके लिए चंगाई करते हैं वो चंगाई से मुझे कुछ लेने देने नहीं है मैं आप देखा है मैं कुछ नहीं करता मैं खड़ा हूँ लोग वहाँ पर अपने आप प्रार्थना किए अपने आप प्रार्थना का वो उत्तर पाए बस उतना ही मेरा जब लेकिन जब लोगों का अच्छा होता है तो दिल को छूता है भाई आप देखा एक माँ रो रही थी अपने बेटे को कोमा में चला गया था और उसके आँख निकल दिखता भी दिखने लगा वो मार हो रहे जब वो आंसू मेरे शर्ट के ऊपर आता है ना इतना पावर आता है कहाँ से परमेश्वर का पावर है ब्रदर वो मेरा कुछ नहीं है मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ आपके जैसे मैं आपको जैसे कहता हूँ आपके जैसे पहनता हूँ मैं नॉर्मल इंसान मैं कोई बाबा का मैं कोई बागा मैं पर बड़ा परमेश्वर का दास ऐसा कुछ नहीं मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान हूँ आपके जैसे मैं भी एक इंसान हूँ बस आपके जैसे कहता हूँ मैं भी शादीशुदा हूँ मेरे बच्चे हैं नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल इंसान हूँ मेरे लिए कोई स्पेशलिटी नहीं जो भी होता है यीशु की वजह से होता है मेरे वजह से कुछ नहीं होता है मैं नहीं कोई भी प्रार्थना यीशु के प्रार्थना प्रचार करने से होता है क्योंकि मैं कुछ नहीं करता यीशु करता है।
थैंक यू ब्रदर। संबलपुर सरस्वती मानसों का रिपोर्ट कलिंग समाचार।